क्या आपकी कोई छोटी बहन या बड़ी बहन है जिसने आपकी कोई गलती पकड़ ली हो और फिर कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक आपको उसके लिए ब्लैकमेल किया हो? अगर हाँ तो आप इस स्टोरी से काफी रिलेट कर पाएंगे, और अगर नहीं तो भी ये कहानी जरूर सुनिएगा क्योंकि ये कहानी बहुत ही खास है। तो ये कहानी है एक छोटे से लड़के जॉनी की। एक बार जॉनी अपने दादा दादी से मिलने उनके गाँव जा रहा था। अब गांव पहुंचा तो दादा दादी से लाड़ प्यार लड़ाने के कुछ दिन बाद धीरे धीरे वह बोर होने लगा। ना खेलने के लिए दोस्त थे और ना ही टीवी, तो आखिरकार दादा ने उसे खेलने के लिए एक गुलेल दे दी। अब गुलेल उसके लिए एक नया खेल था। उसने निशाना साधने की तो कई कोशिश की, लेकिन हर बार उसका निशाना चूक जाता। थक हार के जब वह वापस रात को घर पहुंचा तो उसे अपनी दादी की पाली हुई बतख दिखी, और जाने उसके दिमाग में क्या आया और उसने उस गुलेल से उस बतख पर निशाना लगाया। वह निशाना जाकर उस बतख के सिर पर लगा और वह मर गई। यह देखकर वह लड़का घबरा गया और घबराहट में उसने उस बतख को जंगल में लकड़ियों के ढेर में छुपा दिया। यह सब उसकी बहन ने देख लिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह जब दादी ने उसकी बहन शैली से कहा कि चलो हम थोड़ी सफाई कर लें, तो शैली ने कहा कि दादी आज जॉनी ने कहा है कि वह आपकी किचन में मदद करेगा। और धीरे से उसने जॉनी के कान में कहा, तुम्हें बतख तो याद है ना? अब घबराहट में जॉनी ने हामी भर दी और दादी की मदद करने लगा। अगले दिन दादा ने कहा कि चलो आज मैं दोनों बच्चों को मछलियां पकड़ने लेकर जाऊंगा, तो दादी ने कहा, नहीं नहीं, आज शैली को मेरी खाना बनाने में मदद करनी होगी। शैली मुस्कुराई और कहने लगी कि नहीं दादी, आज तो जॉनी आपकी मदद करेगा। उसने कहा है कि उसे आपकी मदद करने में बड़ा अच्छा लगता है। और एक बार फिर उसने जॉनी के कान में कहा, तुम्हें वह बतख तो याद है ना? अब शैली गई मछलियां पकड़ने और जॉनी को किचन में खाना बनाना पड़ा। कई दिन ऐसे ही बीत गए, जॉनी अपना भी काम करता और शैली का भी। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब यह सब उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। वह दादी के पास पहुंचा और उसने अपनी गलती मानी कि दादी मुझसे गलती से आपकी बतख मर गई है। दादी ने उसे अपनी गोद में उठाया और प्यार से कहा कि मैं जानती हूँ, मैं उस समय खिड़की पर ही थी और मैंने यह सब देख लिया था, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसीलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं बस यह देखना चाहती थी कि तुम कब तक अपनी गलती छुपाने के लिए तुम शैली की गुलामी करते रहोगे। तो दोस्तों यह कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन इस कहानी से मिली शिक्षा हमेशा याद रखनी चाहिए। जो भी तुमने अपने अतीत में किया है वह सब तुम्हारे सामने जरूर आएगा। फिर चाहे तुमने कोई झूठ कहा है, किसी को धोखा दिया है, किसी से उधार लिया है या कोई भी गलत काम किया है, वह सब तुम्हारे सामने जरूर आएगा, तुम्हें डराएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शैली ने जॉनी को डराया। लेकिन अपनी गलतियों को छुपाने की बजाय उन्हें कबूल करो, वरना अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तुम कहीं किसी के गुलाम न बनकर रह जाओ। अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो उसे सुधारो, क्योंकि किसी का गुलाम बनने से तो अच्छा है अपनी गलतियों को सुधारना। तो आगे बढ़ो और एक अच्छे इंसान और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। तो दोस्तों तो आगे बढ़ो और एक अच्छे इंसान और सच्चे इंसान बनने की कोशिश करो। आई एम श्योर दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक जरूर करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें और उन्हें यह समझने में हेल्प करें कि गलतियां कभी भी छुपाई नहीं जा सकती। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी ऐसी सुंदर सुंदर कहानियाँ आपको सबसे पहले मिले। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।